नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ नेहा रेड्डी। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 100 से ज्यादा मौतें, 30,000 लोग संक्रमण के शिकार, जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय ने जारी किया आंकड़ा। कोरोना वायरस के कारण प्रदर्शनकारियों ने बदली रणनीति, अब 5-5 कर औरतें एक बार में धरने पर बैठेगी, CAA के खिलाफ हो रहा है प्रदर्शन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, समय रहते चीन ने नहीं चेताया, अमेरिका में 24 घंटों में 100 से ज्यादा मौतें। कोरोना के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए फैसला, बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में बंद प्रोडक्शन, कहा कि कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पहली प्राथमिकता। आनंद महिंद्रा के बाद वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का ऐलान, कोरोना को रोकने के लिए करेंगे 100 करोड़ रुपए की मदद, पेटीएम ने भी की मदद की घोषणा। शेयर बाजार पर कोरोना का कोहराम जारी, सोमवार को भी गिरावट में खुले सेंसेक्स और निफ्टी। महाराष्ट्र में 24 घंटे में सामने आए 15 नए मामले, संक्रमित लोगों का आंकड़ा 89, मुंबई में 14 नए मामले और पुणे में एक नया मामला आया सामने। दुनिया के देशों में कोरोना का कहर जारी, 14,507 लोगों की मौत, 3,00,000 से ज्यादा संक्रमण के शिकार। भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 360 हुई, 7 लोगों की हो चुकी है मौत, 24 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए लखनऊ में खत्म हुआ धरना प्रदर्शन, पिछले 2 महीने से CAA और NRC के विरोध में चल रहा है प्रदर्शन। फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए आप सबसे पहले विजिट कीजिए webdunia.com पर और इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।